आज़ादी का 75वां वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत एसडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला के नेतृत्व में एक शाम तिरंगा के नाम एवं कवि सम्मेलन देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम स्थानीय राम रजा गार्डन से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम माँ सरस्वती दद्धा मैथिली शरण गुप्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। सरहद पर तैनात आईटीबीपी के लगभग आधा सैकड़ा से अधिक जवान मौजूद रहे। नन्ही कलाकार कुमारी सलोनी तिवारी ने अपनी प्रस्तुति जब ए मेरे वतन के लोगों लहराओ तिरंगा प्यारा जो शहीद हो उनकी जरियात करो कुर्बानी ये सभी मौजूदा श्रोताओं का मन मोह लिया। साहित्यकार भाई भास्कर परमान ने तो अपनी कविता में कहा कि देश का हर एक नागरिक देश का सच्चा भक्त होता है जो अपना काम ईमानदारी से करे वह देशभक्ति हो गई। प्रमोद भारती ने अपनी कविता के माध्यम से सभी मग्न मुक्त कर दिया। अंत में राष्ट्रगीत गाकर कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी दिनेश चंद्र शुक्ला नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह महिला विकास परियोजना अधिकारी प्रियंका बुनकर सुरेश बंधु सुमित गुप्ता पवन साहू अधिकारी कर्मचारी पत्रकारगण सहित आधा सैकड़ा से अधिक जवान मौजूद रहे। करेरा एसडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला ने सभी जवानों का आभार भी व्यक्त कर दिया। कर्तव्य निभाया करता हूँ कर्तव्य निभाया करता हूँ लहरा शायद शेड्यूल भी आप लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद आप लोगों का। हम आपका इतना सम्मान करते हैं उसके लिए कोई शब्द है नहीं इसलिए मैं उस शब्द ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ। बस केवल आपको प्रणाम करता हूँ अपनी भारत माँ को प्रणाम करता हूँ। एक राष्ट्रभक्त की अंतिम इच्छा क्या होती है? हे मेरे राम हे अल्लाह हे नानक हे मेरे ईसा न चकना चूर हो पाए मेरे सपनों का ये शीशा न बाऊ शीश में तुमको मैं चौखट पर धरूं माथा करूं विनती करों को जोड़कर गाँवों में इस गाथा ये मेरी आरजू मन की न आधी हो अधूरी हो